हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मी वाइट वेल के अपडेट के बारे में। कुछ इसी से रिलेटेड नए इन्फॉर्मेशन निकल के आए हैं जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक रेडमी, एम आई या पोको डिवाइस के यूजर्स हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर है जो कुछ डिवाइसेज के लिए अपडेट आते हैं और जिन डिवाइसेज का हम वेट कर रहे हैं, जिन्हें मिलना चाहिए, उनका अपडेट अभी तक हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसे भी मेरे पास कई सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जिनको अभी तक MIUI 12 का अपडेट नहीं मिला है, और कुछ ऐसे भी डिवाइसेज हैं जिनका अपडेट आ जाता है बट आप लोग जो उसका अपडेट मिस कर जाते हो। तो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किन डिवाइसेज के लिए अपडेट अवेलेबल हो चुका है और आपने मिस कर दिया है या फिर आपने कर लिया है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया है तो मैंने उस पर भी वीडियो दे रखा है कि कैसे आप मिसिंग अपडेट को फिर से अपडेट कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट के लिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। डिटेल के ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुनिक वेब की ओर से एक डिटेल शेयर किया गया है जो कि यूरोप, इंडिया, इंडोनेशिया, रूसिया, ग्लोबल और चाइना सभी कंट्री का नेम मेंशन किया गया है और बताया गया कि किन के लिए अवेलेबल है और किन के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं MIUI के कम्युनिटी टैब से जो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि MIUI कम्युनिटी तो भाई इंडिया में बैन हो चुका है बट स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए कोई भी अलग से ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आया है हमारे MIUI की ओर से। तो अभी सारा काम वहीं से जो चल रहा है बट इंडिया में हम उसे ओपन नहीं कर पाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है, बट अगर आप VPN ट्राई करोगे तो वो ओपन हो जाता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई इसका ओपन यूज ना करें, क्योंकि बैन है डेटा लीक वगैरह की वजह से। तो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो आप रिस्क ना लें, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इस पुनिक वेब को छोड़ते हैं और आ जाते हैं अपने ऑफिशियल सोर्स के ऊपर जहाँ से ये कलेक्शन किया गया है। तो आ जाते हैं हम अपने जो MIUI कम्युनिटी टैब के ऊपर, जिसका आप देख सकते हो पोस्ट डाला गया है 10/9/2020 का, यानी बिल्कुल ही लेटेस्ट है 2 डेज पहले का। लेकिन इन दो दिनों में जो भी अपडेट आए हैं उन्हें मैं अपने कम्युनिटी के टैब पे शेयर कर देता हूँ जो कि मेरा YouTube का है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज भाई आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट को मिस कर जाओगे। तो दो दिनों का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या आया है। तो यहाँ पे MIUI का जो Redmi 9 डिवाइस है उसे 11.0.8 का अपडेट मिल चुका है ग्लोबल डिवाइसेज के लिए, और यहाँ पे Redmi का जो Note 8T रूसिया का है इसके लिए 11.0.5 जो रिलीज किया गया है, जो कि आज का न्यूज है, 1 आवर्स पहले मैंने आपको शेयर किया है। और उसके पहले का है जो कि मैंने और भी जो डिटेल आया है वो यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। जैसे कि MIUI का 10 प्रो के लिए 12.1.2 अपडेट प्रोवाइड कर दिया गया है जो कि एंड्रॉयड 11 का है, लेकिन ये टेस्टर यूजर के लिए है। साथ ही साथ पोको F1 का भी जो टेस्टर यूजर के लिए रोल्ड आउट हुआ था, जिसपे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी है जो दिया था। और उसके बाद है जो आप देख सकते हो 3 डेज पहले Redmi के Note 7S और 7 के लिए Android 10 प्लस MIUI 11.0.4 का अपडेट आया था, जिसपे मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो दिया है। तो ये रहे जो कि 2 दिन के मिसिंग अपडेट है जो कि मैंने आपको शेयर किया था। फिर से आते हैं ऑफिशियल पेज के ऊपर, तो यहाँ पे हर एक कंट्री का नेम मेंशन किया गया है, तो हम फोकस करेंगे इंडियन डिवाइसेज के ऊपर। बाकी का आप इस वीडियो में खुद से मैनुअल रीड कर सकते हो या फिर VPN यूज करके ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के साथ कोड नेम लगा गया है RUSE ग्लोबल EEA ID वगैरह, तो हम IN वाले पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MIUI 10 का IN जो कि रिलीज कर दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलीज लिखा गया है, रिलीज पार्सली लिखा गया है और अंडर टेस्टिंग लिखा गया है। अंडर टेस्टिंग का मतलब है बीटा प्रोग्राम अभी चल रहा है, फाइनली बाहर निकल के नहीं आया है। यहाँ पे पार्सली का मतलब है कि 50-80% यूजर्स को मिल गया है, बाकी अदर यूजर्स को नहीं मिला है, और इनमें वो भी शामिल हो जाते हैं जिनको एक बार अपडेट देखने को मिला बट वो अपडेट नहीं कर पाए और नेक्स्ट टाइम से उन्हें अपडेट ही नहीं शो हो रहा है, तो वो भी इसी के अंडर है जो आ जाते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं MIUI 10 के अलावा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नीचे को अगर हम स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइस हमारे देखने को मिलेगा Redmi के डिवाइसेज के अंदर, जो कि Redmi का Note 5 Pro ग्लोबल है। इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे Redmi का Note 6 Pro इसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैंने जो ग्रुप वगैरह से बात करके पहले वाले वीडियो में बताया था कि Redmi के Note 6 Pro को नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में अपडेट देखने को मिलेगा, बट फिक्स टाइमिंग कुछ भी अता पता नहीं है। Redmi का जो Note 7 है ग्लोबल डिवाइस, इसके लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। साथ ही साथ इंडिया का जो डिवाइस है Redmi का Note 7 और Note 7S, इसका अंडर टेस्टिंग चल रहा है, और जैसे ही आता है मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास डिवाइस अवेलेबल है, तो वेट करना, ओके। यहाँ पे आता है Redmi का Note 7 Pro जो कि IN डिवाइस है, इसका भी अंडर टेस्टिंग आ रहा है, यानी 7 और 7 Pro दोनों के एक साथ ही अपडेट रोल आउट होंगे, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे होगा, तो जैसे ही आएगा रिव्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे Note 8 ग्लोबल और Note 8 IN इसको कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जैसा कि शेड्यूल में बताया गया था कि इसी मंथ हमें देखने को मिलने वाला है, तो अपडेट आएगा तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, बट यहाँ पे कोई भी डिटेल ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नीचे की ओर आते हैं
तो आपको देखने को मिलता है रेडमी का नोट 8 प्रो IN जो कि रिलीज कर दिया गया है। अगर नीचे आते हैं तो रेडमी का नोट 9 जो है IN इसका भी रिलीज हो चुका है। यहाँ पे आते हैं नीचे की ओर तो आपको फिर से देखने को मिलता है रेडमी का नोट 9S और नोट 9 प्रो IN, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट शेड्यूल तो बताता है कि इसी मंथ का है, बट देखते हैं कि क्या और कब तक हमें देखने को मिलता है। उसका नीचे की ओर फिर से आते हैं तो हमारा रेडमी का K सीरीज शुरू हो जाता है जो कि हमारा रेडमी का K20, K20 प्रो इनके लिए रिलीज कर दिया है। रेडमी का जो 6 है और यहाँ पे बाकी अदर डिवाइसेज है इनके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि रेडमी का नो जो रेडमी 6 प्रो है इसके लिए भी पार्सली रिलीज किया गया है, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया था। तो ये कुछ यूजर्स को मिला है और कुछ यूजर्स को नहीं मिला है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप वेट करो, शायद नेक्स्ट अपडेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन मिल चुका है तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, नीचे की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे रेडमी का जो 8A इंडिया का डिवाइस है इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है मैं अपने कम्युनिटी टैब यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो रेडमी का जो 8IN है इसका भी कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे आते हैं तो आपको देखने को मिलता है रेडमी का 9A जो कि पार्सली रिलीज किया गया, यानी 50-80% यूजर्स के लिए, 100% को अभी तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आपको रेडमी का 9 देखने को मिलता है जिसका ऑलरेडी रिलीज है, क्योंकि भाई फ़ोन लॉन्च हुआ था MIUI 12 के साथ ही, तो इसको तो कहना ही नहीं है। उसका 9 प्राइम इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मे बी अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, तो जैसे ही आएगा भाई पता चल जाएगा। और इसके साथ हमारा आ जाता है पोको का M2, क्योंकि दोनों सेम ही है बस नाम चेंज किया गया है। तो रेडमी का जब 9 प्राइम को अपडेट मिलेगा तब जाके हमें M2 को भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों डिवाइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। नीचे आते हैं पोको के डिवाइस के लिए, तो पोको F1 अंडर टेस्टिंग चल रहा है और कभी कभी अपडेट आता है, और जब भी अपडेट आता है मैं आपको वीडियो दे देता हूँ। पोको का X2 रिलीज कर दिया गया है। उसका नीचे की आते हैं तो यहाँ पे M2 और M2 प्रो को मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में आया है, तो शायद इन फ्यूचर मेंशन कर दिया जाएगा, बट अभी के लिए ये लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। रेडमी का जो Y2 है ग्लोबल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, RU Y2 और Y3 IN के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये ऑफिशियल साइट है बट कुछ कुछ डिवाइसेज अभी भी यहाँ पे मिसिंग रहते हैं। तो आज की यही थी इन्फॉर्मेशन। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या अपडेट मिला है या नहीं, या फिर आपको मिला था तो क्या आपने मिस कर दिया है। अगर आपने मिस किया है तो आई बटन में एक वीडियो मिलेगा जिसे आप फॉलोअप करके उस अपडेट को फिर से रिसीव कर सकते हो और अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो। आज का वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो रिक्वेस्ट इतना ही है कि एक छोटा सा शेयर कर दे, ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी पता चल सके कि उन्हें कब तक देखने को मिलेगा या फिर वो भी मिस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय।